एक समय था दोस्तों कि उस समय आप कुछ भी बोल लेते थे, और अगर प्रॉपर वे में कोई रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन से रिकॉर्ड नहीं करता था तो उसका कोई प्रूफ नहीं रहता था। लेकिन आज के डेट में जो बढ़ते टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें ये है कि आप क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं, आपका मतलब 24 आवर्स रिकॉर्डिंग चालू हो सकता है, ऐसा हाल हो गया है। और दूर बैठे कंपनियां जो आपकी सारी बातें को कलेक्ट कर रही है, तो ऐसे में हम सभी को इस बात से डरना चाहिए। डरना क्यों चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हम पे मॉनिटरिंग कर रहा है, एकदम 24 आवर्स नज़र रखे हुए है। मैं बात कर रहा हूँ स्मार्टफोन और स्मार्ट स्पीकर के बारे में, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो आपको दो बातें समझ में आएगी। पहली बात है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण 24 आवर्स आप उसके नज़र में आ सकते हैं, जिससे बचना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर हम आप 24 आवर्स स्मार्टफोन अपने पास रखते हैं, तो स्मार्टफोन में हार्डवेयर वाला कौन सा फीचर होना ज़रूरी है, सभी स्मार्टफोन कंपनियों को देना ज़रूरी है, जिससे हम सभी यूजर का जो है प्राइवेसी बना रहे। और अगर हम चाहे कि हम अपना इन्फॉर्मेशन नहीं दे, हम पे कोई नज़र नहीं रखे, तो उस वक्त पर्टिकुलर उस टाइम में वो नज़र नहीं रख सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अज इन्फॉर्मर। देखिए, एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट स्पीकर के बारे में। अब स्मार्ट स्पीकर की बात मैं कर रहा हूँ तो साथ साथ जो है जितने भी असिस्टेंट टाइप एप्लीकेशन है उसकी भी बात कर रहा हूँ। जैसे गूगल असिस्टेंट, सीरी हो गया, इसके बाद अमेजन एलेक्सा हो गया, ये सब जो है अब तो जो है सैमसंग भी अपना निकाल रहा है। तो धीरे 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 जो ये स्मार्ट असिस्टेंट की बात कहिए या आपकी बात सुनकर समझकर वो जो है आपके अनुसार रिस्पॉन्ड देता है, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपकी बातों को वो सुने, वो रिकॉर्ड करे, रिकॉर्ड करने के बाद वो प्रोसेस करे, एनालाइज करे और फिर आपके अनुसार आउटपुट दे। लेकिन आप ये बताइए कि ये सारे इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई कंपनी स्टोर करता है, जिस कंपनी का आप डिवाइस इस्तेमाल करते हो वो कंपनी स्टोर करता है। और कहती है कंपनियाँ कि हम डेटा इसलिए स्टोर करते हैं ताकि वो अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सके और बेहतर से बेहतर जो है रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। ऐसे में भैया आपका आवाज़ तो सुन लेगा ना। अब स्मार्ट स्पीकर में ये फैसिलिटी है कि पावर ऑफ बटन है कि माइक्रोफोन के पावर को ऑफ कर दिया जाए, तो ऐसे में वो स्पीकर आपके साउंड को नहीं सुनेगा। अदरवाइज आपके आसपास जो भी स्मार्ट स्पीकर होगा वो आपकी हर बात को, आप किसी से बात करें वो भी सुन रहा है, आप कुछ काम कर रहे हैं गुनगुना रहे हैं, मतलब जो भी एक्टिविटी आपका साउंड आपके आसपास आता है वो सब रिकॉर्ड करके वो अपने सर्वर पर ले जाता है। और ऐसे में जितने यूजर होंगे, लाखों करोड़ों यूजर होंगे, सबका प्रोफाइलिंग होता है। अब कहिएगा प्रोफाइलिंग, तो भैया प्रोफाइलिंग का मतलब जैसे फेसबुक है, हर एक यूजर का अपना प्रोफाइलिंग किया ना, एक एक इन्फॉर्मेशन फेसबुक के पास है पार्टिकुलर यूजर का, वो कहाँ से आता है, किस डिवाइस से लॉगिन करता है, किस मतलब क्या आर्टिकल लिखता है, उसका मूड क्या है, आर्टिकल लिखने का टोन क्या है, क्या पसंद कर रहा है, क्या नापसंद कर रहा है, क्या देखना चाह रहा है, इमेज वीडियो, मतलब हर एक प्रोफाइलिंग हो चुका है। और आज के डेट में जो भी मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, जो बिजनेस ओनर है, वो प्रोफाइलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि वो सही जगह पहुंच सके और अपने इस प्रोडक्ट को सेल कर सके। यही नहीं, इसका मिसयूज भी हो सकता है। हम आप समझते हैं कोई प्रोडक्ट अगर बढ़िया से बढ़िया हमारे पास सेल करे तो अच्छी बात है, हमारी इच्छा होगी तो खरीदेंगे, ये ठीक है। लेकिन इसके अदर एस्पेक्ट भी होते हैं, अदर पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जैसे पॉलिटिकल लीडर, वो क्या है, आपका ब्रेन वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी तो इलेक्शन का समय है और हर समय अपने देश में कभी ना कभी कोई ना कोई इलेक्शन रहता है, तो ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ एक पहलू पे मत देखिए, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव तो देखिए कि फ़ायदा मुझे भी क्या मिलेगा, और निगेटिव साइड भी देखिए और कोशिश कीजिए उस चीज़ से कितना ज़्यादा बच सकते हैं और आपके लिए जो फायदेमंद रहेगा उस पर काम करना चाहिए। तो ये तो हो गई बात स्मार्ट स्पीकर के बारे में। इस बारे में दोस्तों बहुत सारे अच्छे अच्छे जो साइबर गुरु हैं, टेक्नोलॉजी के गुरु हैं, वो भी टीवी पे आकर के, अब जनरल टीवी हिंदी वाले पे तो नहीं आते क्योंकि यहाँ पे जनरली मैं बोलता हूँ और ये सच्चाई बताता हूँ कि अपने कंट्री में जो हिंदी न्यूज़ चैनल है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ झगड़ा, लड़ाई, जूते फेंकना, मारपीट करना, यही चीज़ दिखाया जाता है। जो रियल लाइफ में वैल्यू एड करता है वो चीज़ के लिए तो स्पेस ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे जो चैनल हैं वहाँ पे, कुछ कुछ चैनल हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी खराब है, तो वहाँ पे जब डिबेट होता है तो वहाँ पे बताया, डिबेट नहीं कर सकते, एक तरह से इंटरव्यू टाइप कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे साइबर गुरु ने बताया भी कि ये चीज़ का खतरा बढ़ रहा है। और मैं भी आपको बताता हूँ कि इस चीज़ से बचने के लिए एक चीज़ जो आपके स्मार्टफोन में होना ज़रूरी है
वो जान लीजिए, वो है पावर बटन। अब कहिएगा पावर बटन, तो पावर बटन तो भैया स्मार्टफोन का पावर बटन है, स्पीकर का हार्डवेयर बटन होना चाहिए, सॉफ्टवेयर नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की दुनिया में जो एक पे एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो उसको ओवरलैप कर देती है और सुनती रहती है। आपको मालूम है ना भैया कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वो साउंड रिकॉर्डिंग भी धीरे धीरे साइलेंट मोड में बैकग्राउंड में करते रहता है और आपके टोन के अनुसार, बोलने के अनुसार, कम्युनिकेशन के अनुसार आपके सामने एडवर्टाइजमेंट प्लेस करते रहता है। तो क्या आपके साउंड को वहाँ रिकॉर्ड करके रख नहीं रहा है? अब एक सवाल और जिसको ध्यान में रखिएगा, इसके बाद आपको वीडियो मिस करना है तो कर दीजिए या पूरा देखना है देख लीजिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि यार मेरा आवाज़ सुन लिया तो क्या हो गया, मेरा डेटा ले लिया तो क्या हो गया, मेरे फ़ोन में क्या रखा हुआ है। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, ऐसा है ना कि आपके घर में बगल में कुछ बात करते हैं तो अगर कोई क्रॉस करता है तो चुप हो जाते हैं, अरे कोई सुन तो नहीं लिया, मेरी बात को सुन तो नहीं लिया, मेरे प्लान को जान तो नहीं गया। मतलब आपके जान पहचान के लोग भी अगर आपके सामने से क्रॉस करते हैं तो चुप हो जाते हैं या किसी कोने में जाके बात करते हैं, यहाँ तो पूरा ओपन कर देते हैं भैया, तो सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए। ऐसे में दोस्तों स्मार्टफोन कंपनियाँ को ये देनी चाहिए कि अब हार्डवेयर में जैसे वॉल्यूम बटन का होता है, इसके बाद पावर ऑफ का बटन होता है, तो इसके साथ साथ जो माइक्रोफोन और कैमरा दो चीज़ को जो है ऑफ और ऑन करने का हार्डवेयर के बेसिस से बटन देना जरूरी हो गया है, ताकि यूजर की प्राइवेसी मेंटेन रहे। जो यूजर चाहे कि इस टाइम पीरियड में मेरा स्मार्टफोन में कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी कितना भी परमिशन ले चुका हो, लेकिन मेरे माइक्रोफोन को एक्सेस ना करे, जिससे उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, और कैमरा से एक्सेस ना करे, कैमरा को एक्सेस ना करे, जिससे उनका फ्यूचर में किसी भी टाइप का खतरा ना हो। एनीवे, आप क्या सोचते हैं, ये चीज़ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे अच्छे दोस्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि जो है मुझे लगेगा कि मैं अच्छे अच्छे जब कंटेंट लाता हूं तो आपको भी पसंद आता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, उनको भी नॉलेज मिलेगी। और जो दोस्त जो है नए आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।